Anukriti Govind Sharma, and welcome to my YouTube channel. I'm so excited you are here. I have loads, well, not loads, but continuously growing number of yoga and fitness videos to help you de-stress. Yes, it's for you. All that I have ever done in my life is yoga, since the time I was 25. There's no joking about it, guys. I'm serious. You can practically find me doing yoga anytime and at any place. For example, right now. Okay, fine, I'm kidding, but you can actually find me doing yoga at any time of the day. If I see a place where yoga would be useful and if somebody invites me to help them with it, then of course I'll say yes and help them. That's all that there is to it. It's very simple and I like to keep things simple. I like a simple life. Yoga has always helped me to live a simple life, and I believe that yoga can help each one of you out there live a simple life as well. अर्चना सतीश दूरदर्शन में समाचार पढ़ती हूँ, ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ, थिएटर भी किया है, फिल्म भी की है और सीरियल्स भी किए हैं। आजकल मेन एंकरिंग करती हूँ, स्टेज एंकरिंग, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर। योगा से अक्सर लोग सोचते हैं कि योगासन, जबकि योगा आसन उसका एक पार्ट है, लेकिन योगा अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो तो आप अपने को अच्छे से समझ सकते हैं। शरीर और मन दोनों को आप स्वस्थ रखते हुए अपनी प्रतिभाओं को पूरी तरह से समझ के, निखार के उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं और ज़िंदगी के किसी भी समय के लिए आप अपने को तैयार कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली वो शरीर के तल पर ही नहीं बल्कि मन के तल पर भी बहुत स्ट्रांग बनाता है, और शायद मन की शक्ति बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी को जीने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में सारे पल आते रहते हैं मौसम की तरह। तो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सिखाता है योगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनु, योगा आपको तैयार करता है ज़िंदगी के लिए, और एक बार आप तैयार हो जाते हैं तो कैसा भी समय आए निकल जाता है आपसे। जैसे मैंने कहा, कैंसर से मैंने कोई लड़ाई नहीं की। मैं हमेशा कहती हूँ, लड़ाई होती है जब आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, लेकिन योगा ने मुझे दूसरा डायमेंशन दिया। जब मुझे कैंसर पता चला 2010 में, तो योगा करते हुए बहुत समय बीत चुका था, मेरे मन में प्रश्न नहीं आया कि मेरे साथ क्यों, मेरे मन में डर नहीं आया कि कैंसर ओ क्या होगा, या मेरे मन में कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। उसको मैंने एनालाइज नहीं किया, एज इट इज़ एक्सेप्ट किया कि एक बीमारी मुझे हुई है। ये मेरा सौभाग्य था कि जब कैंसर हुआ उसके बहुत पहले से आर्ट ऑफ लिविंग मेरी ज़िंदगी में आ गया था। मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की हमेशा ऋणी हूँ कि वो बहुत पहले आके उन्होंने मुझे बहुत पहले से तैयार करना शुरू कर दिया ज़िंदगी के इस परीक्षा के लिए। परीक्षाएं हम शारीरिक को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन कई बार ज़िंदगी में भी आपके ऐसा समय आता है जो किसी कैंसर से कम नहीं होता, आपको तोड़ता है। तो ऐसे बहुत से सबकी ज़िंदगी में तूफ़ान चलते हैं, बहुत बार हम जान भी नहीं पाते दूसरों के तूफ़ानों को, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ने वो योग्यता दे दी। और आर्ट ऑफ लिविंग तो यही बताता ही है कि आप हर हाल में मुस्कुराएं, और ये शक्ति देता है, ये सामर्थ्य देता है। तो वही हुआ, जीवन जीने की कला अगर आपको आ जाए तो फिर आपको तूफान तूफान नहीं लगते। आपको पता होता है कि
कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और बदल जाएगा, और जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जीवन की विषम परिस्थितियों में दूसरों पे दोष देते हैं या दुख मनाते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, और ये अनुभव तक लाने में हमारे गुरुदेव का हाथ रहा, आर्ट ऑफ लिविंग का रहा, जिसने मुझे विकसित किया एक अच्छे इंसान में। जीवन में जब कभी भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, वो आपको तोड़ने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं आती, वो आपको और बेहतर करने के लिए आती हैं। लेकिन अक्सर हम दुख में डूब जाते हैं या आरोप प्रत्यारोप में डूब जाते हैं, और वो मौका गंवा देते हैं जो आपको सीखने को मिलता। कैंसर के लिए मैं कहती हूँ, ये मेरे लिए वरदान रहा। जिंदगी को जानने में, अपने को जानने में मैं सालों जो साधना करके पाती, वो जैसे किसी ने जंप करा दिया, क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो आप अपनी ज़िंदगी के, और आप खुश भी रहते हैं तो ज़िंदगी का कैसेट बार बार रिवाइंड करके देखते हैं। तो मेरे मन से अगर किसी के लिए भी कोई गांठ थी, कोई दुख था, कोई रोष था, रेशा पर भी, तिनके भर भी, सब मिट गया। मुझे लगा जब न्यूट्रली आप अपनी लाइफ को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई दोषी नहीं था, आप थे। कहीं कुछ कमी थी आप में, किसी चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाए, किसी समय आप इमोशनल ट्रॉमा में फंस गए, इसलिए ये सब हुआ। आप दूसरे लोग दोषी नहीं हैं, आप ही हैं। तो आप सबको माफ़ कर देते हैं, सबके लिए आपको प्यार आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं, उसको ठीक करना है बस। तो जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वो फिर आपके लिए एक लेसन बन के आती हैं, आप उनसे कुछ सीख लें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग हमारा साथ देते हैं वो आपको उतना नहीं बनाते, लेकिन जो आपका साथ नहीं देते, आपके मार्ग में, आपके रास्ते में तकलीफ़ बाधाएं लाते हैं, वास्तव में वो लोग आपको बनाते हैं। तो आप किससे नाराज़ रहेंगे, किससे शिकायत करेंगे, और क्या प्रश्न आपके मन में रह जाएगा। जैसा भी है, जीवन बहुत सुंदर है, उसका पूरा आदर, पूरा सम्मान, और जिस रूप में भी आता है, वो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, निभाते जाएं। योग ये शक्ति देता है। योगा उस समय नहीं आया जब मेरे ज़िंदगी में तूफान आया। योगा 2000 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी रही, और बहुत समय हो गया, तो तैयारी पूरी है। आप कैसा भी का समय आए, योगा के लिए देखें ना, एक जावेद अख्तर साहब का बहुत अच्छा शेर है, तो मुझे कुछ इस कदर करीब लगता है, तेरे बारे में अलग से सोचूं अजीब लगता है। तो योगा तो ज़िंदगी हो चुका है। जिस तरह से आपको ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए समय सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ कैसे मैं निकालूंगी, आप उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, होके आ जाते हैं। तो योगा तो अब मेरे नस नस में, रग रग में, ज़िंदगी के पल पल में, छिन छिन में साथ है। क्योंकि योगा कॉन्सेप्ट, आप जैसे बात कर रहे हो ना, आप ये सोच के बात कर रहे हो कि उसके लिए कुछ एफर्ट करना है, कोई योगासन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन भाई आप व्यायाम करते हो, हम आसन कर लेते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हमारे दिन की शुरुआत ही उससे होती है। और मैं सुबह के टाइम, जब तक कोई प्रोग्राम बाहर ना हो, तो मैं बात भी बहुत कम करती हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाती उस समय। वो सुबह का समय वो सिर्फ मेरा है, तो उस समय आप आसन करें, ध्यान करें। और ध्यान के लिए ऐसा नहीं, कुछ समय बाद आप ऐसा ट्यूनिंग, आपकी माइंडसेट हो जाता है, इतना ट्यून्ड हो जाता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, जो मेडिटेशन का एक ऐसे बैठना है, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। आप मेडिटेशन आप खुली आंख से भी कर सकते हैं। एक अब ऐसी सिचुएशन आ गई, उसके लिए ज़रूरी है योगा, प्राणायाम, जैसे मैं सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाई जाती, मेरे लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है सुदर्शन क्रिया, और उसने मुझे कैंसर में भी और सब में, आज जो अर्चना आपको दिख रही है ये पहले नहीं थी, अब ये इस रूप में सुदर्शन क्रिया। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एक बार सकारात्मक और नकारात्मक में द्वंद्व छिड़ा और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और सब नकारात्मकता हट गई और पॉजिटिविटी आ गई, तो उसी तरह सुदर्शन क्रिया एक सुदर्शन चक्र के रूप में श्री श्री रविशंकर जी ने सबको दिया हुआ है कि अपने जीवन की लड़ाई में तुम उसका इस्तेमाल करो। तो वो अब तो रच बस गया है। अब योग क्या करता है ना, आसन, प्राणायाम,
आपको सजगता देते हैं, आपके जो बॉडी में सिस्टम है, शरीर की प्रणालियां हैं, वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती हैं। फिर आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलता है, और जब नज़रिया बदल जाता है, परसेप्शन आपका प्रॉब्लम करता है हमेशा, आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। तो उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं, हाँ ध्यान है, योगा है, अगर आप आसन और ध्यान और प्राणायाम या सुदर्शन क्रिया को कहते हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी का, जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वो मेरा अंतः स्नान है, बाहरी स्नान रह जाए लेकिन ये होना चाहिए, तो वो तो उसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है और उसी से मेरा दिन, वही मेरे आत्मा है, बाकी सब कुछ होता है लेकिन वो मूल आत्मा है जिस जो मुझे ग्रो करती है। तो मुझे कभी कुछ अलग जगह और इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ अलग से उसके लिए करना पड़े, ऐसा नहीं होता। ध्यान जब भी और मिलता ही, अगर आप समय की बर्बादी रोक दें जो आप व्यर्थ में करते हैं, तो बहुत समय है, 24 घंटे बहुत है आपके करने के लिए, तो आप अपना ये सब कर सकते हैं, लेकिन व्यर्थ समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें। और कहते हैं ना कि मेरे तो जीवन में एक ही एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड है ना, तो इसलिए अपने आप सब हो जाता है, कुछ मुझे विशेष प्रयत्न करना हो, अरे कहीं सुबह निकलना है, नींद थोड़ी कम कर लो, है ना, तो ऐसा हो जाता है। और आज आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, और आप थकते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि थकान शरीर से ज़्यादा मन की होती है, और मन और शरीर आपस में इतना संबंधित हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अगर मन तरोताज़ा है तो शरीर को थकने नहीं देगा, है ना? कहते हैं ना, काम से नहीं थकता आदमी, खाली होने से थक जाता है, व्यर्थ में जो कर रहा है उससे थकता है वो। तो योगा आप करते हैं तो आप वैसे ही चार्ज रहते हैं, तो अपने आप सब हो जाता है, और मेरे से अब योगा अलग नहीं है, तो इसलिए मुझे एफर्टलेस हो गया। आप एफर्ट से शुरू होता है, लेकिन एक सिचुएशन आती है तो एफर्टलेस हो जाता है। योग करने से शुरू होता है, और फिर एक समय आता है जब आप जीने लगते हैं, वहीं पे एफर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है, पहले आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़ा सा अनुशासन और नियम की ज़रूरत होती है, जब तक कि वो आपकी आदत ना बन जाए। जैसे बच्चा ब्रश करना जब सिखाया जाता है तो बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है, वो सोच चाहता है छोड़ना, लेकिन कोई भी कैसा भी आदमी हो, वो कोई कहे भाई मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ध्यान से देखे कुछ चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, ब्रश बिना सोचे आप जाएंगे, पहला काम आप कर ही लेंगे, उसके लिए आपको पता भी नहीं, वो ऐसा आ गया क्योंकि वो आप ज़िंदगी में शामिल हो गया। तो योग भी ऐसा ही है, वो आपको योग्यता देता है जीवन को जीने की, सिंपल एक लाइन में। और जीवन को जीने की योग्यता के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना ज़रूरी है, इसलिए जितने भी योग के आयाम हैं, जितने भी चरण हैं, वो आपको समग्र रूप से एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सुदर्शन क्रिया सांसों की एक लयात्मक प्रक्रिया है, जिसमें रिदम के साथ सांसों को लेना और छोड़ना होता है, और ये हमारे सटल बॉडी जो है उस पर भी बहुत काम करती है, और स्ट्रेस बाहर निकलता है, और ये शरीर जो है बेहतर ढंग से इसकी समस्त प्रणालियाँ कार्य करती हैं। और जब शरीर आपका फिट हो जाता है तो आप मन भी अच्छा हो जाता है, और जब शरीर और मन अच्छे, जब तन और मन अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए और पाया गया, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आए सुदर्शन क्रिया। हम लोग के गुरुजी की एक बहुत ख़ास आदत है, वो बातों को बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बताते नहीं, और बहुत ही लाइटली, बहुत लाइट वे में किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और हम लोग को छोड़ देते हैं कि उसकी गहराई में हम जाएं। तो सुदर्शन क्रिया करने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, लेकिन आप 20 मिनट, जैसे आप चार्जर पे मोबाइल लगाते हैं और चार्ज हो जाए पूरे दिन उसका उपयोग करते हैं, तो उसी तरह 20 मिनट आपने अपने आप को दिए, सुदर्शन क्रिया किया और आप फुल्ली चार्ज हो गए, जो अननेसेसरी की फाइल्स हैं वो डिलीट हो गई, और अपडेट हो गया आपका सॉफ्टवेयर, तो अच्छे से काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी की डिफिशियंसी हैं वो ठीक होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो शरीर के तल पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को ठीक करता है, और उसका असर साफ साफ हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड तीनों पर इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज़ है जो बाहर भी आती है और अंदर भी जाती है। आप अपने अंदर जो जाके कैसे काम करेंगे, तो सांस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं। और मन को हैंडल करने का भी एकमात्र साधन है सांस,
माइंड को माइंड से आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, उसके लिए सांस। इसीलिए जैसे जैसे आज के युग में तनाव बढ़ रहा है, उसी तरह प्राणायाम और योग की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया आपने, सारा पैसा, सुख सुविधा, यश पद सब देख लिया, लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा है, कुछ खालीपन, कुछ सूनापन, जिसके लिए हर आदमी भाग रहा है कि कैसे उसको भरें। वो सामान से भी नहीं भर रहा है, वो पैसे से भी नहीं भर रहा है, वो चीज़ों से भी नहीं भर रहा है, वो रिश्तों से भी नहीं भर रहा है, कुछ है जो खटकता है इंसान को। तो इसलिए जब आप करते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि सुदर्शन क्रिया आपकी मुलाकात आपसे कराती है, और जब एक बार आप अपने से मिल लेते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके पास आ जाती है और आप उसे समझने लगते हो, तो फिर शिकायतें हट जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स एक लाइन में डिस्क्राइब होता है, आह को वाह बना देना, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। As Archana ji just said that our breath is the magic connection between our mind and the body, and as I always say that my definition of yoga is all about the connection of the mind, body and soul at the same time. Guys and girls, this 2017, let us not make a resolution. Instead, let us make a decision to have a happy mind, body and soul through our breath, through yoga. Stay connected.